हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जो भी नए लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, हाय माय नेम इज़ निशा शर्मा फ्रॉम जम्मू। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है फॉर गर्ल्स। तो आज की वीडियो आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा, मेकअप प्रोडक्ट अंडर ₹400। तो ये वीडियो मैं आज इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आज चल रही है सेल। Amazon, Flipkart, Myntra, Purple, Nykaa सब पे जो है वो सेल चल रही है क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, तो इन सीजन्स में सेल चल रही होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनको सुजेस्ट करूँ मेकअप प्रोडक्ट अंडर 400। पता सबको होता है बट मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, दैट्स वाई मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए और ज़्यादा बातें किए चलते हैं वीडियो में। मैं भी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए आप एंड तक ज़रूर देखना, मैं कोशिश करूँगी थोड़ा कम में ही कर दूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम फेस से। तो सबसे पहले मैं आपको जो प्रोडक्ट सजेस्ट करूँगी वो है ये लिटल्स की वाइप्स, और इसमें होती हैं 80 वाइप्स है। और ये प्रोडक्ट ये आपको अंडर ₹100 ही आपको मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है क्योंकि जब भी आपको मेकअप के लिए अगर आपको फेस वॉश नहीं करना है तो आप इसके साथ फेस क्लीन करके आप मेकअप शुरू कर सकते हो। सेकंड प्रोडक्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है ये गुलाब बरी का रोज़ वाटर। डेली बेसिस पे जब भी मुझे घर बैठ के वीडियो शूट करनी होती है, मेकअप करना होता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा है ये, आपके फेस को बहुत ही मॉइस्चराइज करता है, रिफ्रेशमेंट देता है आपके फेस को। और ये भी आपको प्रोडक्ट विद इन ₹100 मिल जाएगा, तो 60-70 तक मिल जाएगा। विद इन 100 अगर मैंने बोला है तो उससे कम ही रेंज में मिल जाएगा। और ये मत सोचना ये पसीना है, दिस इज़ हाइलाइटर, वही चमक रहा है। और इसके बाद जो थर्ड प्रोडक्ट है वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी मॉइस्चराइज़र। आपने देखा ही होगा मेरी वीडियोस में मैं अक्सर यही वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, ये है निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र। और ये भी आपको अंडर ₹100 मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल और ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बट ऑयली वाले थोड़ा कम लें क्योंकि ये बहुत ही क्रीम और ऑयली फॉर्म में होता है, दैट्स वाई। तो आफ्टर दैट मैं आपको सजेस्ट करूँगी सनस्क्रीन जो कि है बायोटिक की सनस्क्रीन फॉर ऑल स्किन टाइप SPF 50। दिस वन सी, ये वाली बहुत अच्छी है बायोटिक की, ऑल स्किन टाइप, हर कोई स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकता है। और ये आपको पड़ जाएगी अंडर ₹200 में आपको पड़ जाएगी। ये वाली जो सनस्क्रीन है ये है तो ऑल स्किन टाइप के लिए है, बट जो एक्ने वाली ऑयली स्किन है उनके लिए एक मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये मेबलिन फिट मी की फाउंडेशन। मेरा सी शेड है 102 और ये बहुत ही अफोर्डेबल है सी, और ये आपको पड़ जाएगी अंडर ₹300 में आपको पड़ जाएगी। और मैं फास्ट फास्ट इसलिए बोल रही हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना बने, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि लंबी वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, दैट्स वाई। और आफ्टर दैट मैं आपको आ जाता है कंसीलर। कंसीलर ये है स्विस ब्यूटी का स्टिक कंसीलर जो ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दिया अब। और इसके साथ हमें एक क्रीम प्रोडक्ट साथ में मिलता है, ये बहुत अच्छा है, जो आपको अंडर 250 की रेंज में मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है पाउडर की बारी। तो आपने मेरे को वीडियोस में देखा ही होगा ये वाला पाउडर मेरा फेवरेट है, Glam 21 का है, BB पाउडर, ऑयल कंट्रोल है। जैसे भी हम मेकअप करते हैं थोड़े हमारे फेस पे जो शाइन वगैरह आ जाती है, आप इसके साथ अपने बेस को जैसे ही सेट करोगे आपका जो बेस है वो आपको मैट फिनिश देगा। और आफ्टर दैट आ जाती है ब्लश, ब्राउन्स और हाइलाइटर की बारी। तो उसके लिए मैंने आपको एक ये वाली फेस पैलेट सुजेस्ट कर रही हूँ, ये है NYBA की फेस पैलेट जो कि आपको अंडर ₹300 में पड़ जाएगी। बहुत ही अच्छी है, क्वांटिटी थोड़ी कम है इन प्रोडक्ट्स की सी, बट है बहुत अच्छी, पिगमेंटेड है और पॉकेट फ्रेंडली भी है, आप कहीं भी उठा के इसको ले जा सकते हो, आपको हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ दी फेस पैलेट, आप ये सुजेस्ट कर रही हूँ मैं आपको, आप ये बाय कर सकते हो। फेस मेकअप हो गया, अब है आइज़ की बारी। तो सबसे पहले मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगी स्विस ब्यूटी का काजल जो मैंने अभी अपनी आँखों पर भी अप्लाई किया हुआ है सी, ये आपको
अंडर 200 रुपीज़ में मिल जाएगा काजल। और आफ्टर दैट आईलाइनर जो कि है ये मेबलिन का आईलाइनर जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया और इसकी जो भी टैग था वो हट गया है। तो ये आपको पड़ जाएगा अंडर 200 रुपीज़ में। तो इस पे लिखा तो था वाटरप्रूफ, बट वाटरप्रूफ नहीं है आई थिंक, क्योंकि एक बार ये बहुत फैल गया था बारिश में, तो वाटरप्रूफ तो नहीं है, बट अफोर्डेबल है, आप ये ले सकते हो। और इसकी जगह आप ये वाला भी ले सकते हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम अफोर्डेबल है, ये लैक्मी का अंडर 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा यहाँ 200 रुपीज़ में। ये भी अच्छा है, ये भी मैं बहुत बार अप्लाई करती हूँ। और मस्कारा के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ ये कलर एसेंशियस का मस्कारा, बहुत ही अच्छा है ये सी, और वाटरप्रूफ है। कलर एसेंशियस अल्ट्रा लैशेस मस्कारा एक्स्ट्रा वॉल्यूम देता है और वाटरप्रूफ भी है। और ये आपको 350 की अंडर 350-100 की रेंज में पड़ जाएगा, बहुत अच्छा है। और एट लास्ट आई शेडो पैलेट में आपको ये वाली सुजेस्ट करूँगी, ये है स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट, बहुत ही अच्छी है। और ये आपको पड़ जाएगी अंडर 200 रुपीज़ में आई शेडो। और इसमें देखो बहुत सारे कलर हैं, न्यूट्रल कलर भी हैं, बोल्ड कलर भी हैं, और ये वाली शेड तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है। इस वाली शेड को आप एज अ अपने आईब्रो सेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आपके आई शेडो बेस को सेट करने के लिए भी कलर है, बहुत सारे आई मेकअप जो हैं आप इससे क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छी है फॉर द बिगनर, बेस्ट है आई मेकअप में। तो बाकी मैंने बता दिया, अब लास्ट है ये स्विस ब्यूटी की 3D स्टूडियो इफेक्ट आई लैशेज, क्योंकि आई लैशेज का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, आजकल हर कोई आई लैशेज लगाता है। तो ये आपको अंडर 150 रुपीज़ में पड़ जाएगी, उससे भी कम पड़ सकती है, बट अंडर 150 लास्ट है। तो मैं भी सोच रही हूँ अब आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं भी आई लैशेज लगाने की ट्राई करूँगी, देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं आगे, तो आई मेकअप का भी मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, अब आ है लिप्स के बारे। लिप्स के लिए मैं आपको सबसे पहले ये जो लिप लाइनर है ये है स्विस ब्यूटी के, एक तो ये मेरा फेवरेट ब्राउन न्यूड शेड, और एक ये थोड़ा पिंकी शेड में सी। और ये आपको पर पीस जो है वो 50 रुपीज़ में मिल जाएगा, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर बहुत अच्छे भी हैं पर अफोर्डेबल भी हैं, तो आप ये बाय कर सकते हो। और इसके बाद जो लिपस्टिक है सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये एलिए चिन की कलर पॉप्स मैट लिपस्टिक, क्रीमी मैट है, बहुत अच्छी है ये, लुक एट द पिगमेंट, बहुत मस्त है, कलर भी बहुत अच्छा है। और ये आपको अंडर 100 रुपीज़ में मिल जाएगी, ओनली अंडर 100 रुपीज़ में दिस वन। आफ्टर दैट मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये इनसाइड कॉस्मेटिक की ब्राउन सी शेड न्यूड शेड में लिपस्टिक, और ये बहुत अच्छी है, नॉन ट्रांसफर प्रूफ है, स्मज प्रूफ, ये लुक एट दिस शेड। और ये आपको अंडर 100 रुपीज़ में ये भी मिल जाएगी सी, बहुत अच्छी है, ट्रांसफर प्रूफ, मतलब आप लगाओ तो ट्रांसफ़र भी नहीं होती है। और उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये एनवाई बे की लिक्विड लिपस्टिक, बहुत अच्छी है, रिसेंटली मैंने ऑर्डर की थी ये, थोड़ी ये भी पिंकी शेड में ही है, बट ये लिपस्टिक मैट है, तो ये भी आपको अंडर 200 रुपीज़ में मिल जाएगी ये वाली। और एट लास्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक मैट लिपस्टिक, और ये थोड़ा मैरून या रेडिश शेड में थोड़ा बोल्ड कलर आ जाता है, और ये भी आपको अंडर 200 रुपीज़ में मिल जाएगी, बहुत अच्छी हैं, अफोर्डेबल भी हैं, आप यू कैन ट्राई दिस। एट लास्ट जो मैं प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करूँगी वो है ये इनसाइड कॉस्मेटिक की मेकअप फिक्सर, बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर एंड नॉन स्टिकी, और जो आपके फेस पे जब आप लगाओगे तो आपके फेस को जो रिफ्रेश, मतलब थोड़ा फ्रेश आपको फील करवाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ लगा दिया तो बस रफ सा पड़ेगा फेस, बहुत अच्छा है ये भी। और ये आपको पड़ जाएगा अंडर 200 रुपीज़ में, ये आपको सेटिंग स्प्रे पड़ जाएगी। और एट लास्ट मेकअप तो आपने कर लिया, और
उसको निकालने के लिए अब मैं एक प्रोडक्ट सजेस्ट कर रही हूँ। सबसे पहले ये है प्लूम का क्लींजिंग बाम, अंडर 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको जब भी आप मेकअप करो, आपको डबल क्लींजिंग करनी होती है, सबसे पहले आप क्लींजर से अपना मेकअप को रिमूव करो, उसके बाद फेस वॉश करो एंड आफ्टर दैट आप स्किन केयर कर सकते हो। तो दैट्स इट, ये थे मेरी तरफ से सुजेस्ट किए हुए प्रोडक्ट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। और फिर बैठ के क्या कर रहे हो, जाओ भाई, ऑनलाइन सेल चल रही है तो बाय कर लो प्रोडक्ट। और अगर मेरे सुजेस्ट किए हुए प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे हों और आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी आपको वीडियो। और अगर आपने प्रोडक्ट बाय किए तो भी मुझे बताना आपने किए या नहीं किए। और इससे भी कम प्राइस में अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाय करने हैं तो अगर इफ़ यू वांट कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, या मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय।